एक भारतीय नागरिक को कदम कदम पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कपड़े खरीदने पर टैक्स, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर टैक्स और यहाँ तक कि रोड पर चलने के लिए भी टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। कुल मिलाकर एक भारतीय टैक्स पेयर जीवन भर अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता रहता है। इस तरह से भारत में सरकार आम आदमी की इनकम में पार्टनर है। यह भी सही है कि टैक्स की इसी व्यवस्था से ही देश का सिस्टम संचालित होता है, लेकिन सवाल यह है कि टैक्स के रूप में इतनी राशि देने के बदले टैक्स पेयर को सरकार से क्या मिलता है। सरकार टैक्स पेयर की आय में तो पार्टनर है, लेकिन उसके घाटे में उसके साथ नहीं। ऐसा क्यों? यह भी सही है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में निरंतर कमाई यानी स्थिर आय वाले लोगों को कम आय वाले लोगों या वंचितों की मदद करने में सहयोग करना चाहिए। बावजूद इसके इनकम टैक्स देने वाले एक वर्ग को यह लगता है कि उन्हें बदले में सरकार से क्या मिल रहा है। टैक्स पेयर यह सोच रहा है कि आखिर सरकार की उसके जीवन में क्या भूमिका है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, लेकिन खास तौर से इनकम टैक्स को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। आम आदमी पर टैक्स की इस मार को समझने के लिए वेब दुनिया ने गुजरात के सीए केडी शर्मा से बात की। केडी शर्मा ने वेब दुनिया को बताया कि कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे वो खेल हो, मनोरंजन या सेवा, सबके लिए कुछ न कुछ टैक्स लगता है। टैक्स देने के बाद भी अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यह लगभग न के बराबर है। हाँ, कुछ हद तक बीपीएल वर्ग को नरेगा, स्वास्थ्य, राशन सामग्री आदि के रूप में कुछ सुरक्षा मिलती है। हालांकि यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जबकि सबसे बुरी मार मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों पर पड़ रही है, जो बहुत महंगी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से जूझ रहे हैं। न ही उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि हकीकत में मध्य वर्ग ही हमारी अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्तंभ हैं। हालांकि वे ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। अब सरकार को चाहिए कि अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं को तर्कसंगत बनाए, जिससे मध्यम वर्ग को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन मिल सके।